तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों सब शानदार, जबरदस्त, मसानदार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बांद्रा, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द मुंबई। दोस्तों एक्चुअली मेरे भाई का एडमिशन कराने का था इस कॉलेज में। अभी मैं उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में फॉर्म भरा था, तो ये कॉलेज लगा, तो इधर पे हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग रिक्शे में बैठते हैं, तो अभी आगे का देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वो महाराष्ट्र का कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए नंबर वन कॉलेज है। अकॉर्डिंग टू द गूगल मैंने किया था, तो मैंने बाकी लोगों से भी सुना था। तो आज मैं उधर पे, मतलब मेरे भाई का सपना सच करने जा रहे कि उधर पे एडमिशन लेंगे, और बाकी का जो भी अभी तो वो मार्क्स लाएगा तो उसको डिग्री मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएगा। तो चलिए अपना ब्लॉग का चालू करते हैं। तो गाइस, अभी मैं रिक्शे में बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बस से आया, और जब मैं बस से आ रहा था तो बहुत बारिश आ रही थी, तो इस और बहुत गर्दी था बस में, क्योंकि अभी कोरोना के वजह से लॉकडाउन था। अभी मतलब लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन रेलवे नॉर्मल पीपल के लिए चालू नहीं है। तो अभी मुझे टिकट वगैरह नहीं मिला, तो मैं अपने घर पे से भांडुप से कुर्ला तक बस से आया। उसके बाद कुर्ला बस डिपो पर हमने एक रिक्शा किया, जो रिक्शे वाले अंकल हमें कॉलेज तक छोड़ेंगे। तो अभी हम लोग रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बांद्रा पहुंचने के लिए जो रोड का यूज कर रहे हैं उधर पे गाड़ी है, और व्यूज अच्छा आ रहा है, तो मैं इसके लिए आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये कॉलेज में कभी आना हो तो आप दो तीन तरीके से आ सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट रिक्शा मिल जाएगा जो मीटर से चलेगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि रिक्शे का भी बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए आप बस का ही यूज कीजिए, बस में कम पैसे में आपको छोड़ देगा। और अगर ट्रेन मिलती है तो सबसे बड़ी बात, ट्रेन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस, मैं बता रहा था कि आप रिक्शे में आओगे तो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, तो इसके लिए आप ट्रेन या बस का ही यूज कीजिए। तो ट्रेन में अभी चालू नहीं है, बट चालू होगा तो आपको सीधे बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आ जाने का है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भांडुप में रहता हूँ, तो मुझे भांडुप से और दादर नहीं तो कुर्ला दो स्टेशन पर किस में भी एक उतरूँगा, और उधर से फिर दूसरा ट्रेन में पकड़ूंगा, तो फिर मुझे बांद्रा उतारेगा, और फिर मैं बांद्रा से पैदल आराम से इस कॉलेज में जा सकता हूँ। तो अभी मुझे कन्वीनियंट नहीं हुआ, तो मैं अभी रिक्शे से ही जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी रिक्शा लेके जा रहा है, तो आप देखते रहिए, अभी कॉलेज आएगा हमारा। उसके पहले आप कॉलेज से पहले आपको बांद्रा का अच्छा अच्छा नज़ारा और व्यू दिखेगा। और दोस्तों, सुबह का टाइम है तो रोड पे ट्रैफिक भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना सोच के मैं आया था, बट देखिए अभी धीरे धीरे। तो अभी हम नीचे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये हम लोग काला नगर आ चुके हैं, जहाँ पर अभी हाले के जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका घर है इधर ही काला नगर में। और इधर पे महाड़ा बिल्डिंग भी है, बांद्रा कोर्ट भी है, मतलब बहुत, और आगे मतलब स्टेशन अभी आएगा, स्टेशन से और आगे जाएंगे तो बैंड स्टैंड वगैरह भी है उधर पे। हम लोग अभी तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी एडमिशन तो होना चाहिए पहले, और अगली बार दिखाएंगे। तो देखिए, अभी मैं ये काला नगर है, काला नगर इधर पे आ चुके हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं माड़ा की बिल्डिंग है। तो गाइस, फाइनल
फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जाते हैं। तो अभी हम लोग गेट के अंदर एंट्री किए हैं, वॉचमैन अंकल ने बोला कि अंदर जाओ, लास्ट में से टर्न लेना तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच आएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मैं हम लोग कॉलेज के अंदर का ये सब सीन है। तो अभी ये ग्रीन ग्रीन अच्छा अच्छा है, तो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी हमें बिल्डिंग दिखेगी, तो देखिए गाइस ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है। तो गाइस हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग बिल्डिंग इस कॉलेज में है। तो अभी हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आए, तो ये इस बिल्डिंग में आए। तो गाइस अभी हम लोग कॉलेज में आए थे एडमिशन प्रोसेस के लिए, मेरे भाई लोग फीस वगैरह भर रहे हैं, मैं इधर पे अभी आया हूँ। अभी हम लोग क्लासरूम पे ही बैठे हैं, देख सकते हैं क्लासरूम पे ही बैठे हैं हम लोग, सब लोग का एडमिशन प्रोसेस चालू है। तो अभी हम लोग फटाफट फीस भरेंगे, और हम लोग काउंटर है 302 क्लास नंबर दिया है, उसमें लाइन लगाने का और उनको रिसिप्ट वगैरह दिखाने का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने का, फिर हम लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो क्लास भी जैसे कि गाइस ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई कॉलेज है, इसका शॉर्ट फॉर्म JPM है। ये ओल्ड कॉलेज है, और अभी इधर पे मेरे भाई ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया है, तो अभी उसका एडमिशन होने के लिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जस्ट जाने वाले हैं ऊपर, काउंटर पे लाइन है, लेकिन हम लोग के पास सब डॉक्यूमेंट है, अभी ओरिजिनल सबमिट करेंगे, उसके बाद फीस भरेंगे, उसके बाद फिर घर पे जाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, अभी आपको आगे चल के पूरा वीडियो दिखाऊंगा। कॉलेज का खिड़की है, इधर से बाहर ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोग का एडमिशन हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे आगे, आपको पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग का एडमिशन भी हो चुका है, और हमने आपको कॉलेज का अच्छा अच्छा व्यू दिखा दिया है, और बाकी और डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमने जा नहीं पाया, सिक्योरिटी इशू था कोविड को ध्यान में रखते हुए। तो अभी हम सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो छोटा सा वो वॉचमैन गेट है, और मेन गेट इधर आने वाला है। तो अभी हम लोग मेन गेट पहुँच गए, बाहर निकल गए। अभी हम लोग कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब अभी घर के तरफ जा रहे हैं। इसके आगे का भी मैं आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊंगा जो रोड पे दिखेगा, अभी हाईवे पे, और आगे बांद्रा फोर्ट है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अभी हम लोग बांद्रा स्टेशन भी जाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। अभी बारिश बहुत तेज आ रही है, इसके लिए हम लोग बांद्रा घूम नहीं पाए, तो कॉलेज से सीधे अभी बांद्रा बस डिपो पे है, उधर पे आया हूँ। उधर से अभी मैं 303 बस नंबर पकड़ूंगा, जो अभी आई नहीं है, 10 मिनट वेट करना है। आप देख सकते हैं कि मैं बांद्रा बस डिपो पे हूँ, इधर पे बहुत सारी बस खड़ी है। तो अभी मैं बस में बैठूंगा, मेरी बस अभी आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ बस में चढ़ने। बस में चढ़ने के बाद मैं आपको बस से बाहर का व्यू दिखाऊंगा, जो भी बांद्रा से लेके और मेरे घर तक जाएगा वो आपको दिखाऊंगा। तब
फाइनली हम लोग अभी बस स्टॉप पे उतरने वाले हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है अभी। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है।